नमस्कार बच्चों, मेरा नाम राकेश कुमार है। मैं GSSS अड़बर में कार्यरत हूँ, जो कि नू डिस्ट्रिक्ट में आता है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास का विज्ञान का पाठ, जिसका नाम है परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसमें बच्चों हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, सबसे पहले बात करेंगे परिचय के बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे जे.जे. थॉमसन परमाणु मॉडल के बारे में। फिर हम बात करेंगे रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के बारे में। और अंत में हम पढ़ेंगे कंक्लूजन और निष्कर्ष के बारे में। तो चलिए बच्चों, अपना पाठ शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। परमाणु क्या होता है? परमाणु किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण होता है, वह छोटे से छोटा कण होता है, जिसको हम और अधिक सूक्ष्म कणों में विभाजित नहीं कर सकते। या हम इस बात को इस तरीके से भी कह सकते हैं कि परमाणु से छोटा कण किसी भी पदार्थ के अंदर और कुछ नहीं होता। ये थ्योरी दी थी जॉन डाल्टन, ये थ्योरी थी जॉन डाल्टन की, एटॉमिक थ्योरी। लेकिन बच्चों, तुमने देखा होगा कि अगर हम अपने बालों में कंघी फिराते हैं और उसको फिर छोटे छोटे कणों, कागज के टुकड़ों के पास लेके जाते हैं, तो वो कागज के टुकड़े उसके चिपक जाते हैं। ऐसे ही दूसरा प्रयोग हम कर सकते हैं। एक कांच की छड़ लो, उसको किसी नायलॉन या रेशम के कपड़े के ऊपर रगड़ो, फिर उसको छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के पास ले जाते हैं, तो क्या होता है बच्चों? वो कागज के टुकड़े उसके साथ चिपकना शुरू हो जाते हैं। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि परमाणु के अंदर कुछ आवेशित कण होते हैं। तो परमाणु से भी सूक्ष्मतम कण होते हैं, कुछ आवेशित कण। तो इसी के आधार पर कहा गया कि परमाणु आवेशित कणों से मिलकर बना हुआ होता है। इसी प्रयोग के आधार पर फिर जीजे थॉमसन ने अपना परमाणु मॉडल दिया था। इसने क्या कहा कि जो परमाणु है वो धन आवेशित गोले का बना हुआ होता है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन धसे हुए होते हैं। इसको हम तरबूज का उदाहरण लेकर भी समझ सकते हैं। तरबूज का जो रेड कलर का, लाल रंग का खाने वाला भाग होता है, वो हमारा धनावेशित कणों से बना है और उसके अंदर जो बीज हैं वो इलेक्ट्रॉन के रूप में या ऋण आवेशित कणों के रूप में उसके अंदर धसे हुए हैं। और इनके ऊपर जो आवेश होता है, धनावेशित कण और ऋण आवेशित कणों पर जो आवेश है वो समान होता है और इनकी संख्या भी समान होती है। इसी के आधार पर इन्होंने कहा कि परमाणु जो है विद्युतीय रूप से उदासीन है। क्यों उदासीन है? क्योंकि इसके अंदर धनावेशित कण और ऋण आवेशित कण समान मात्रा में उपस्थित होते हैं और इनके ऊपर आवेश भी समान होता है। चलिए बच्चों, अगली बात करते हैं। ये हो गया हमारा जे.जे. थॉमसन परमाणु मॉडल के बारे में। इसके बाद रदरफोर्ड ने एक प्रयोग किया था, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। सोने की पत्ती के ऊपर उसने एक प्रयोग किया था। क्या किया था उस प्रयोग में? उसने सोने की एक पतली से पतली पत्ती ली, जितनी पतली वो ले सकता था उतनी पत्ती पतली पत्ती ली, और उसने क्या सोचा कि ये जो पत्ती है ये परमाणु की एक पतली से पतली चद्दर है। परमाणु से एक ही परमाणु इसके अंदर उपस्थित है। इसके ऊपर जब उसने अल्फा कण डाले, तो ये क्या सोच रहा था कि सारे के सारे कण, अल्फा कण, परमाणु की चद्दर से, परमाणु की पन्नी से टकराकर अपना पथ विचलित कर लेंगे। जबकि ऐसा नहीं हुआ। इसने क्या देखा कि ज्यादातर कण परमाणु की पन्नी से टकराकर बिना उनके पथ में विचलन हुए सीधे निकल गए, और कुछ कण उससे टकराकर समान पथ से विचलित हुए, और 100 में से 0.01% कण ही उससे टकराकर वापिस आए। तो इसके आधार पर रदरफोर्ड ने कहा कि जो जे.जे. थॉमसन का परमाणु मॉडल है वो गलत है, क्योंकि परमाणु के अंदर खाली जगह उपस्थित है। तो इसी के आधार पर रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल दिया। उसने क्या बताया? परमाणु के केंद्र में नाभिक उपस्थित है और सारे का सारा परमाणु का द्रव्यमान उस नाभिक के अंदर
उपस्थित होता है, सारा द्रव्यमान नाभिक में विद्यमान रहता है। और इस नाभिक का जो आकार है वो बहुत ज्यादा छोटा होता है और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते रहते हैं। इसको हम प्रयोग के आधार पर इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं। रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग के आधार पर कैसे ये मॉडल दिया था, जैसे आप देख रहे हैं इस प्रयोग में ज्यादातर किरणें सोने की पत्ती से टकराकर सीधी निकल गई। तो इसका मतलब इसने कहा कि परमाणु में बहुत सारी खाली जगह है और इसी पर इसने बताया कि परमाणु के केंद्र में क्या उपस्थित है, नाभिक उपस्थित है और उसका आकार बहुत ज्यादा छोटा है। अब द्रव्यमान की जो इसने बात की कि आप देख रहे हैं प्रयोग में बहुत कम कण परमाणु सोने की पत्ती से टकराकर वापिस आए, तो इसी के आधार पर कहा कि जो केंद्र है उसमें जो नाभिक है उसका आकार छोटा भी है और उसके अंदर सारे का सारा द्रव्यमान उपस्थित होता है। क्योंकि बच्चों आपने देखा होगा किसी भारी वस्तु के साथ ही कोई पदार्थ टकराता है तभी वो वापिस आती है। जैसे अगर हम एक गेंद लें उसको अगर हम दीवार पे फेंकते हैं तो वो दीवार से टकरा कर वापिस आती है। क्यों वापिस आती है? क्योंकि दीवार का द्रव्यमान अधिक होता है जबकि गेंद का द्रव्यमान कम होता है। तो इसी के आधार पर इसने कहा था कि परमाणु के केंद्र में नाभिक उपस्थित है और उसका अंदर उसका सारे का सारा द्रव्यमान उपस्थित होता है। चलिए ये बात होगी हमारी रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की बात होगी। तो बच्चों आज हमने क्या क्या चीजें सीखी, सबसे पहले हमने बात की जे जे थॉमसन परमाणु मॉडल के बारे में। तो इसमें क्या पढ़ा बच्चों हमने कि जो परमाणु है वो धन आवेशित गोले का बना हुआ होता है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन बिखरे हुए रहते हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन दसे हुए रहते हैं और इसी में इन्होंने बताया था कि परमाणु के अंदर कोई भी खाली जगह उपस्थित नहीं है। फिर रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल दिया तो उन्होंने पहले तो अपने एक्सपेरिमेंट के आधार पर जे जे थॉमसन के परमाणु मॉडल को फेल किया। क्या कैसे किया था? शाबाश, अल्फा कणों का प्रयोग किया था और उसी के आधार पर इसने क्या अपना जो मॉडल दिया था क्या बताया कि परमाणु के अंदर एक नाभिक उपस्थित होता है, उसमें उसका सारा द्रव्यमान उपस्थित होता है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे होते हैं, वृत्ताकार पथ में घूमते रहते हैं। तो बच्चों आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में।